इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सोच 7 साल पहले की चीजों को दिखाया जाता है, जब यहाँ पर हमारे एंडामोरा ने एक क्रिमिनल को पकड़ा होता है और ये सब के बारे में पुलिस ऑफिसर उन्हें धन्यवाद करता है। वो बाहर निकलता है तो एक बंदा जो कि काफी वियर्ड तरीके से उन न्यूज वालों के अंदर से वो देख पा रहा होता है एंडामोरा को, जो कि काफी ज्यादा तेज दिख रहा होता है उसके अंदर। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर वे दिखाया जाता है कि एडवर्ड अब हमारे टोया यानी कि इस पूरे घर के सबसे बड़े भाई के मेंबर के फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है। घर को दिखाया जाता है एंडवर के जिस पर एक बंदे ने नजर बनाई होती है और ये वही बंदा है जो कि 7 साल पहले जेल के अंदर बंद था और आज 7 साल बाद छूट कर आया है तो ये बदला लेना चाहता है एंडवर से। डायरेक्टली जेल से छूटते हुए यही आ गया। यहाँ पर हमें एंडवर के बड़े बेटे नात्सु को दिखाया जाता है जो कि उस घर से निकल रहा होता है खाना खाकर, जिस पर वो बंदा बोलता है अब मैं इसे पहले पकड़ूंगा और एंडवर को काफी ज्यादा परेशान करूंगा। नात्सु अब अकेले रास्ते में जा रहा होता है सुनसान रास्ते में, तब ये बंदा उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे तो दोनों की बाकुगो और मिदोरिया दोनों को अपनी कहानी बता रहा होता है यानी कि टोया की कहानी, जो कि इन पूरे भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई था। अब यहाँ पे तोदोरोकी आखिरी बार अपनी माँ को विजिट किया होता है, तभी फ्यूमी बताती है कि नात्सु ने कभी गया ही नहीं, इसीलिए उसने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया और वो वहीं निकल गया। इसीलिए उसका फेस हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि वो समझता है कि डैड ने किल किया है टोया को। तो ये बाकी सब लोग ये बात सुन ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर आ जाता है एंडवर और वहां से उन सभी को चलने के लिए कहता है। फ्यूमी घर पर अकेले रह जाएगी और यहाँ पे हमारा मिदोरिया काफी संस्कार तरीके से बोलता है थैंक यू फॉर मील। यहाँ पास से मिदोरिया को वहाँ पर फ्यूमी कहती है थैंक यू कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो। और यहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है नात्सु के ऊपर जो कि एक गली से निकल रहा होता है कि उसे कुछ वियर्ड सा लगता है क्योंकि उसके पैर बांध दिए गए होते हैं कुछ बैंडेजेस के थ्रू और देखते देखते उसका पूरा मुंह उन्हीं बैंडेजेस से भर जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मिदोरिया तोदोरोकी बाकुगो इन सभी लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं और मिदोरिया उराराका किरिशिमा के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे बाकुगो कहता है अगर तो नंबर 1 ड्राइवर हो तो थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ, जिस पर ड्राइवर कहता है फ्री की राइड अच्छी नहीं होती है मिस्टर साई स्कूलर। और ये सभी बातें वो बात कर रहे होते हैं। एंडामोरा काफी गहरी सोच में होता है कि उतने में ही उनका ड्राइवर कुछ ऐसा देख लेता है कि वो पूरी गाड़ी ही मोड़ देता है। यहाँ पे नात्सु को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है जो कि मिदोरिया और बाकुगो को भी देखते हैं, साथ ही साथ तोदोरोकी भी। पर जो कि गाड़ी चला रहा होता है वो व्हाइट पट्टी को देखकर काफी ज्यादा हैरान में आ जाता है, जिस पर हमारा विलन कहता है एंडामोरा तुम काफी अच्छे घर पे रहते हो। एंडामोरा काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने नात्सु को पकड़ के रखा होता है, पूरी सड़क पे मतलब तबाही मचा दी होती है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहता है ये बताओ एंडामोरा कि मैं तुम्हें याद हूँ कि नहीं, जिस पर एंडामोरा कहता है मुझे याद है तकरीबन 7 साल पहले मैंने तुम्हें पकड़ा था किसी जुर्म में, जिस पर वो विलन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, तुम मुझे भूले नहीं हो, इस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी है और यही तुम्हारा अंत है। जिसके बाद यहाँ पे एंडवर को कभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि अब तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगे, ये सारी खुशियां मैं मिलियन ईयर्स में भी नहीं इकट्ठा कर पाता। जिसके बाद वो कहता है अब तुम अपने बेटे को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, जिस पर एंडवर कहता है उसे जाने दो वरना वो तुम्हें खत्म कर दूंगा। विलन कहता है प्लीज एंडवोरा अब आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना वरना इसकी जान तो जाएगी, और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं बच्चे को जाने दूंगा। साथ ही तो ये भी कहता है कि हीरोज कभी भी किसी को नहीं मारते हैं लेकिन तुमने नोमू को खत्म कर दिया। इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा होता है इस बंदे के अंदर, मतलब फाइनली ये बंदा पूरी तरह से पागल है और ये जिंदा या मुर्दा कैसे भी हमारे एंडामोरा को मारना चाहता है, मतलब पकड़ना चाहता है। इसी तरफ हमारे बाकुगो ने अपने हाथ से एक काफी बड़ा धमाका करता है कार के अंदर ही और ये तीनों हीरोज बाहर की तरफ निकल आते हैं और कहते हैं कि हमें बचाना होगा आसपास के लोगों को भी और नात्सु को भी। एंडामोरा ये सब कुछ देखता है कि उतने में उनका ड्राइवर एलिवर को खींचता है जिससे 3 सूटकेस बाहर निकलते हैं। एक्चुअल में ये सारे वेपन्स होते हैं हमारे बाकुगो तोदोरोकी और मिदोरिया के,
जिसके बाद मिदोर तीनों बैग्स इन तीनों को दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे बाको कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से मसल दूंगा। अब ये ज्यादा गुस्से में होते हैं ये तीनों और वो कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। यहाँ पास एंडेवर अभी आगे बढ़ता है इसे खत्म करने के लिए। वो जैसे ही मारने के लिए जाता है तो वो बंदा अपने बैंडेजेस को आगे की तरफ कर लेता है, जिससे ये तीनों आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें का सामना करते हैं। यहाँ पे मिदोरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो तय करता है कि वो इसे खत्म ही कर देगा, क्योंकि अपने फादर हल्क पावर फ्लेम का यूज करता है। बाकू को अपने हाथ से एक काफी बड़ा ब्लास्ट तय करता है। यहाँ पास ये बंदा बोलता है कि अब ये वर्क स्टडी करने वाले बच्चे काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इनसे बचना होगा वरना ये सब मुझे मार ही देंगे। यहाँ पास से में दिखाया जाता है एंडेवर को जो कि आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन उतने में ही वो विलेन नात्सु को आगे कर देता है, जिसे एंडेवर देखकर कुछ देर के लिए सहम सा जाता है और उसकी आंखों से ही वो उसका विलेन और बच्चा पीछे की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसे कुछ पिछली बातें याद आती है। फाइनली यहाँ पर विलेन इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब उसने पूरा इमोशनली ब्लैकमेल किया होता है एंडेवर को। लेकिन ये तीनों बच्चे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं तो यहाँ पास से इसके फटे में होती है और कहती है ये आग तो शायद मुझे पूरी तरह से जला कर ही रख देंगे। जिसके बाद वो कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं इनात्सु को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये तोदोरोकी किसी की कहीं सुनने वाले थोड़ी थे, इसलिए मिदोरिया तोदोरोकी और बाकी सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही कहते हैं नात्सु को जाने दो। यहाँ पे विलेन काफी ज्यादा होशियार होता है, आसपास चल रही गाड़ियों को अपनी पट्टियों से हवा में उछाल देता है, जिससे अगर आसपास वाले बंदे मरेंगे तो इन्हीं पर इल्जाम लगेगा, और नात्सु को ट्रेन के ऊपर फेंकता है। लेकिन बाकू को हमारा नात्सु को बचा लेता है और साथ ही साथ वापस से दिखाया जाता है मिदोरिया को जो कि अपने वैश्व वाले पावर का यूज करते हुए उन सभी गाड़ियों को हवा में ही उठा लेता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाता है। यहाँ पे एंडेवर कहता है एक हफ्ते में इन बच्चों ने काफी कुछ सीख लिया है और ये सारी चीजें देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पास से वो बंदा यानी कि विलेन काफी ज्यादा रो रहा होता है। वहीं पर तोदोरोकी आ जाता है और अपने हेल फ्लेम का यूज करते हुए मारता है और उसके बाद फिर उसे जमा देता है एक काफी बड़े आइस में। दूसरी तरफ हमें मिदोरिया को दिखाया जाता है जो कि अब गाड़ियों को काफी आराम तरीके से नीचे की तरफ उतारता है और वो सबसे पूछता है कि आप लोग ठीक तो है ना, बाकुगो ने हमारे नात्सु को बचा लिया होता है कि उतने में ही एंडेवर आकर पूरे नात्सु और हमारे बाकुगो को पकड़ लेता है, जिस पर बाकुगो कहता है ये तुम बूढ़ो जैसे स्मेल कर रहे हो इसलिए मेरे से दूर हो जाओ, और वो उस जगह से निकल आता है मतलब उनकी बाहों से। तो रुकी ने फाइनली उस विलेन को पकड़ लिया होता है और कहता है कि हम लोग सभी सिक्योर्ड है, अब हम लोग को कुछ नहीं हो सकता, जिस पर वो विलेन काफी ज्यादा रो रहा होता है। बाको कहता है हे देखू सब कुछ ठीक तो है ना, जिस पर वो कहता है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पास से दिखाया जाता है बाकू को जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि हमने विलेन को पकड़ लिया, लो को बचा लिया और नात्सु को भी बचा लिया। इस सब चीजों से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है एंडेवर और नात्सु के बीच की बातें, जहाँ पे एंडेवर काफी ज्यादा दुखी होता है अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाने की वजह से, और वो काफी ज्यादा दुख इसलिए बात का भी होता है कि उसने टोया को किल किया, ऐसा हमारे नात्सु का मानना था। आसपास जाम लगने लगता है, यहाँ पर एंडेवर नात्सु के बीच में बातें चलने लगती है, जहाँ पे टोया उसे हमेशा कुछ सब कुछ बताया करता था नात्सु को। जिसके बाद हमारे एंडेवर माफी मांगता है, यहाँ पास से वो कहता है अगली बार से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मिदोरिया ये सारी बातें सुनता है और सीन शिफ्ट होता है फ्यूमी पर। एक्चुअल में फ्यूमी को यहाँ पर दिखाने का मतलब ये था क्योंकि फ्यूमी ही एक ऐसी लड़की थी जो कि पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती थी, तो दोनों की सब कुछ और बाकी लोग ये सारी चीजें को देख रहे होते हैं। यहाँ पर एंडेवर माफी मांगता है जो भी मैंने तुम्हें क्षति पहुंचाई थी उसके लिए। यहाँ पे नात्सु काफी ज्यादा रोने लगता है और फाइनली वो माफ कर भी देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों के बीच के अच्छे रिलेशन को, जहाँ पर अब वो दोनों उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। यहाँ पास से वो विलेन काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खत्म हो सकता, ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये मुझे इस सब से बाहर निकालो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वहां पर पुलिस वाले आते हैं और सब कुछ एक बार फिर से कंट्रोल में कर लिया जाता है, जिस पर उनका ड्राइवर कहता है कि हम लोग को अब पहले से भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। एंडेवर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने फैमिली को लेकर भी सोच में पड़ा होता है।
इसीलिए वो पिछले एपिसोड के कुछ विलन्स को याद करता है। बाकी विलन ने ये कहा था कि डार्कनेस अब बढ़ रही है तुम्हारी तरफ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये तीनों हीरोज आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश है नात्सु को बचाकर। यहाँ पास से एंड अप हो रहा हॉक्स को याद करता है। हॉक्स चल रहा होता है और हॉक्स कहता है शायद मुझे कोई याद कर रहा है, हो रहा हो यह एंड अप आ रहा ही होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ता है। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, तो यार अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो रही है या फिर कुछ शब्द इधर उधर हो गए हो और तो यार उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।